अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज़ हू आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह उठते ही इमोन ने बोला सबके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमारे घर पे बहुत काम हो रहे हैं। नीचे सेकंड फ्लोर में कलर हो रहे हैं क्योंकि दूर है, फिर हमारे इधर घर के अंदर भी काम हो रहे हैं, तो इसलिए छत पे भी काम हो रहे हैं। तो गर्मी है बहुत, तो इमोन ने बोला हम बहुत सारी आइसक्रीम्स ऑर्डर करो। ये फूड पांडा मैं अभी खोल के बैठी हूँ, तो इधर से मैं बहुत सारे डब्बे ऑर्डर करती हूँ। 10 डब्बे बोल रहे थे ना, कितने बोल रहे थे पता नहीं, तो जितने भी हो, कितना कितने कितने का 1-1 लीटर का एक एक टब है ना। देखो ऑर्डर। तो आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ सुबह सुबह ही। और उसके अलावा बाहर बहुत गर्मी है, तो इसलिए इम्यून भी अच्छा नहीं होगा इस टाइम बाहर जाए। कितनी गर्मी है पता नहीं ढाका में, मैं आपको बताती हूँ वेदर चेक करके। जैसे ना 33 है बरिशाल में दिखा रहा है, इस मैं आपको दिखा, मेरे और इमोन के मोबाइल में पाकिस्तान का भी वेदर होता है सेट, फिर कोरिया का होता है सेट और बांग्लादेश का। तो इस्लामाबाद में अभी है 31 और कोरिया में अभी 17 डिग्री है, हैदराबाद में 32, ढाका में 32, हैदराबाद में 34। इस्लामाबाद और ढाका का वेदर थोड़ा मैच होता है, और हैदराबाद में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। बस अल्लाह करे गर्मियाँ कम हो। तो आप लोग भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स खाओ गर्मियों में। और मुझे कुछ और सामान भी वैसे ऑर्डर करना है, जस्ट फूड पांडा में आइसक्रीम ऑर्डर नहीं करनी, मेरे बहुत चीज़ें हैं, टिश्यू विशू क्या क्या। तो ऑर्डर करती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊँगी आज है तो पार्सल। तो यार फूड पांडा से सामान आ गए, लेकिन 2 टिश्यू जो है ना वो ऑर्डर किए थे वो आए ही नहीं। नॉर्मली दुकान से इमोन जब लेके आता है ना टिश्यू, तो वो 60 टाका के होते हैं, और इधर कितने का दिया इमोन? 100 से ऊपर 40 टका ऊपर। और 2 टिश्यू, प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, सारा सामान आया और 2 टिश्यू ने आए ही नहीं, जो किचन टॉवल होते हैं ना वो ऑर्डर किए थे, और पैसे सारे ले गए। तो माँ ने बोला टीवी में बहुत आ रहा है आजकल ऑनलाइन चीजें लो तो गड़बड़ रहते हैं। सारे ले गए लेकिन वो सॉल्व कर दिया, लेकिन उसने वो गलती से अमाउंट ज्यादा क्यों लिया, मैंने पैसा ज्यादा लिया टिश्यू का पैसा। लेकिन अगर मैं तुम्हें, तुम तो नीचे आए ना सामान लेने के लिए, तुम्हें तो पता नहीं था टिश्यू पूरा सामान आया है कि नहीं आया। मैंने बोला टिश्यू कहाँ है, अगर तुम नोट नहीं करते फिर तो पैसे भी गया। अभी मैंने तुम इसने पर्सनली कॉल करके बोला आपने टिश्यू नहीं देखे गए। वो लोग का प्राइस होता है 120, उसने 207 रखा। मैं आज कंप्लेन करूंगा। हमने जो ऑर्डर किया है ना वो देखो, मैं एक्सपायरी डेट्स चेक किए सारे, एक्सपायरी सही है। ये एक वनीला फ्लेवर ऑर्डर की, और ये दो थे, दूसरा है ऊपर एक। तो ये एक मैंगो फ्लेवर ऑर्डर किया है, तो सारे मजदूरों को भी देंगे और सबको, माँ भी ऊपर है पूरा। एक और डब्बा इधर अंदर है, और ये पराठे ऑर्डर थे, इसकी एक्सपायरी डेट सही है, 20 पराठे। और क्या ऑर्डर किया था, नमाज पड़ेगी। और हम लोग ना किचन में जा रहे हैं, चलो आओ। और यहाँ पे ऑर्डर किया है ये दालचीनी, ये चीनी पूरा राइस, और मैंने ऑर्डर की थी ये दही। तो इनकी एक्सपायरी डेट्स ठीक है, 1 किलो का दही है खट्टा। बाकी बस प्रॉब्लम ये आया कि आधा सामान आ गया। तो आज मैं ना यखनी पुलाव बना रही हूँ मटन का, तो उसकी मैं रेसिपी ना आपको सिंपल रेसिपी दे रही हूँ, बहुत ईजी है। तो तेल में ना ये वाले बे लीव्स डाले हैं, और ये बड़ी इलायची और कुछ काली मिर्ची डाल देनी है, और इसमें ना ये प्याज डाल देने हैं 7-8 छोटे छोटे, और फिर इसमें ना थोड़ा सा ऐसे नमक डालना है ताकि हमारे प्याज का अच्छे से कलर आए गोल्डन, और इसको बस अच्छे से ना फ्राई करना है जब तक मतलब ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन। और अभी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देना है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें हम ना हमारा मीट डाल देंगे। अच्छा तो अदरक ना हल्का हल्का फ्राई हो गया, ठीक है। अभी मैं इसमें ये सारा मीट डाल दूँगी, ऐसे छोटे छोटे पीस में मैंने काट के रखा है, ये मटन का है, ठीक है। तो इसको ऐसे डाल दें, और इसको ना तब तक पकाना है जब तक ये ना पूरा वाइट हो जाए पूरा। तो मैं आपको ना फ्राई करके दिखाऊंगी इसका कलर कैसा है। इसको ना 1 या 2 मिनट तक पकाना है ताकि कलर चेंज हो मीट का, फिर हम इसमें पानी डाल के मीट पकने के लिए रख देंगे, बस इतना ही। और मीट है ना वो इससे पूरा वाइट हो गया है, 1-2 मिनट तक पका है ना। और अब इसमें हम ना डाल देंगे पानी, ये वाला लहसुन और अदरक का पानी इसमें लगा हुआ था ना उसमें ही मैंने डाल दिया, और भी पानी जाएगा। अभी हम ना ये बस पकने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा के। अभी इसमें अपने हिसाब से नमक डाल के, बाद में मैं और भी डालूंगी, चेक करूंगी। और ये जैसे ही बॉयल हो गया ना, तो अभी मैं इसको 1/2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी ढक्कन लगा के। कहाँ गया ढक्कन हमारा, इधर आ।
ये ढक्कन लग गया और चूल्हे की आंच ना बहुत कम कर देंगे। तो ठीक है, अभी टाइम हुआ है इतना 1:50, हम 2:30 बजे आएंगे। इसको 40 मिनट्स के लिए रख रहे हैं या 30 मिनट्स के लिए रखेंगे, फिर आके चेक करूँगी। मीट अगर सॉफ्ट हो गया तो आगे का प्रोसेस। चार कैसे आ गया? अरे फिर तो प्राइस ठीक है, फिर तो एक्सपेंसिव नहीं गया। एक एक ऑर्डर किया, वन ऑर्डर किया, कोई डील चल रही है क्या पता नहीं, तो फिर प्राइस ठीक है फिर ना। दिखाओ ये बड़े बड़े चार। अच्छा ये एक पैकेट इतना महंगा मिल रहा है? अच्छा तुम एक एक अलग अलग लेके आते हो और ये एक एक पैकेट में दो दो हैं, सही है। फिर चलो यार ड्राइंग रूम में बैठे, यहाँ पे रूम ठंडा कर लिया है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और बहुत मतलब ख़तरनाक गर्मी आ गई है। अल्लाह बहुत टफ है। अरे ये नई गद्दियाँ हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इधर बैठूंगी और इतना सॉफ्ट होगा, लेकिन इधर नई गद्दियाँ बिछा दी हैं ना, चेंज कर दिए हैं, तो इसलिए ना ये बहुत ही हार्ड है अभी। तो मैं सोफे में जाके बैठती हूँ नरम वाला। तो यार मैं तो इधर एसी की हवा खाने के लिए बैठी हुई थी, तो अब्बा ना इमोन को बुलाया, इमोन तो क्या हुआ, तो पाकिस्तानी जो इधर फैमिली है ना एक, तो जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम गिफ्ट भी भेजे थे, उन्होंने ना फिर से भेजा है कुछ मेरे लिए। ओ माय गॉड ये देखो क्या है, कड़ी। मुझे ना कड़ी इतनी याद आ रही थी और इतना टाइम हो गया मैंने कड़ी नहीं खाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, थैंक यू सो मच भेजने के लिए यार। और इसके अंदर है, और ये हलवा आया है, आई थिंक ये किस चीज़ का हलवा है, सूजी का हलवा है, बेसन का हलवा है, पता नहीं, मैं पूछ के उनसे फिर आपको बताती हूँ, लेकिन बहुत देसी घी की खुशबू आ रही है। थैंक यू सो मच यार फिर से भेजने के लिए, ये बस प्यार है उनका मेरे लिए। आपको चलो हलवा टेस्ट कराते हैं, वहाँ खेया देखें, खा के देखें। कैसा है? भलो ना। और माँ खुशबू देखे, ग्रेन देखें, असली घी की खुशबू है ना। और ए माँ वाइट राइस के साथ खाते हैं। हाँ ए आधे घंटे बाद ना देखो अच्छा खासा तेल भी निकला है और इसका ना पानी भी कम हो गया, तो पूरा मीट का ना फ्लेवर निकल आया है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें ना डाल दूंगी 1 टीस्पून की तरह गरम मसाला। आधे घंटे बाद ना देखो अच्छा खासा तेल भी निकला है और इसका ना पानी भी कम हो गया, तो पूरा मीट का ना फ्लेवर निकल आया है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें ना डाल दूंगी 1 टीस्पून की तरह गरम मसाला। ये गरम मसाला इसे अंदर डाल के फिर इसको मिक्स करना है, और अभी मैं इसमें राइस डाल दूंगी, थोड़ा सा मिक्स करूँ, और मैं थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड करूँगी। इमोन ने राइस पूरे अच्छे से धो के दिए हैं, तो ये 1/2 किलो राइस है मैं डाल रही हूँ इसमें। अभी इसको ना बस अच्छे से जैसे जो हम पुलाव बनाते हैं वैसे ही बनाना है, पानी हल्का सा ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसको ना दम पे रख दूंगी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, बस हल्का हल्का पानी रहता है, तो मैं इसको ढक्कन दे दूंगी, ये स्टीम में पक जाएगा 15-20 मिनट के अंदर अंदर, और बहुत ही हल्की सी आँच। रेसिपी हो गई डन, आज हमारा यखनी पुलाव रेडी, बस इसको मिक्सिंग करेंगे। और यखनी पुलाव जो है माशाल्लाह खुशबू आ रही है तुम्हें, देखो चावल एक एक अलग अलग होके बैठा है, इमोन तो खुशबू लेने के लिए कैमरा में घुस गया। तो चलो अभी हम खाते हैं, और क्योंकि मेरे मुझे ना सरप्राइज मिला था इसे कड़ी चा कड़ी, तो और मिठाई तो क्यों ना, मेरे घर के करीब ही रहते हैं वो, तो इसलिए मैं भी ना भेजूंगी उनके लिए। मैंने रायता बना लिया है और यखनी पुलाव है, आज इतने दिन से मैं कुकिंग नहीं कर रही थी लेकिन आज मैंने स्पेशल कुकिंग की है, तो पाकिस्तानी फूड मतलब, तो मैं चलो आपको भेज रही हूँ, आप मुझे बताना खा के कि आपको कैसा लगा। ये मैंने राइस निकाल के रखे हैं, इमोन अभी जाके देखे आएगा, और यहाँ पे हम ना कुछ लेमन भी रख देते हैं। ठीक है, ये डन हो गया, इसका ढक्कन कहाँ गया, ये रहा ढक्कन, थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा धुआं निकल जाए फिर ढक्कन देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का डब्बा है ना। और ये मैंने रायता बना के ऐसे पैक कर दिया है ताकि गिरे नहीं, तो घर इधर ही है करीब, तो इमोन जाके देख के आएगा पार्स। चलो अभी गर्म है लेकिन ढक्कन दे रही हूँ, ये ढक्कन बंद हो गया। ठीक है ये हो गया, जाएगा हाँ, चला गया ना ऐसे ही। ठीक है तो सीधा करो, और ये रायता आराम से लेके जाना, गिर ना जाए। और यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स भी मैं डाल रही हूँ, तो ये भी डाल दो। चलो इमोन गुड लक, एड्रेस पता है? एड्रेस
देखता हूँ। चलो जाओ, तुम होके आओ जल्दी से, फिर हम खाना खाए, बहुत भूख लगी है। तुम जाओ आइसक्रीम देख के आओ। माँ तो अभी नहीं खा रही, माँ रात को खाएगी। ये मन गया है आइसक्रीम देने, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाए यार, बहुत दिन से काम कर रहे थे छत पे। और मैगी कितना दम करेगा जंप कर खाई है। तो यहाँ पे राउटर जो है ना, हम ऊपर शिफ्ट कर लिया है हमारे एरिया में, क्योंकि इंटरनेट के सिग्नल्स बहुत ही ख़राब आ रहे थे। तो फिर आज ना इमुन ने ये पूरा लगाया पता नहीं कैसे कैसे करके। इसके अंदर से एक तार, बहुत बड़ी एक तार है, वायर नीचे पड़ी है ना वाइट, तो ये पूरी इधर से अंदर गई, फिर उधर इमुन ने क्या किया, होल किया एक, इधर से पूरा लेके गया। और इधर अभी ना कुछ तारें देखो लटक रही हैं, ऐसे से करके हमारे एरिया में लेके गया। तो यहाँ पे कोई वायर नहीं है इस एरिया में, ये बहुत मुश्किल काम था, हमने मिलके किया, मैंने इमुन ने राना भाई ने। तो अभी फाइनली ये देखो ऐसे, ताकि तार दिखने में अच्छी नहीं लगती ना, तो डन हो गया। और एक सैड न्यूज़ ये है कि हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है ख़राब हो गया, इतना यूज़ करते थे ऊपर हम कारपेट में, ये वो रूम में कारपेट है उसमें भी, और पूरे एरिया में कारपेट है ऊपर, घर तो आपने देखा है ना। तो अभी वैक्यूम क्लीनर एक लेना पड़ेगा, ऑनलाइन लेके जाके ले देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन कभी कभी प्रोडक्ट्स ख़राब भी आते हैं, लेकिन अगर किसी अच्छी कंपनी से लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा आएगा। तो चलो ऑनलाइन ही लेंगे। यहाँ फ्रिज में ना आइसक्रीम सबने खाई देखूँ, क्योंकि मजदूरों को तो मैंने डाल के दी थी, लेकिन माँ ने बोला था वो रात को खाएगी, नहीं खाई क्या माँ ने, क्योंकि मैंने तो इतनी ही निकाली थी। माँ टायर्ड हो गई है ना, भूल गई होगी, कल मैं माँ को देख के आऊँगी आइसक्रीम डाल के। माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने माँ के लिए ही ऑर्डर की है, माँ ही खाए, मैं इतना ठंडा नहीं खाती हूँ। अभी मैं लाइटें सारी बंद कर दूँ, क्योंकि सब सो है ना, रात का टाइम है। तो चलो गाइस लेट्स गो, हम लोग किचन में जाते हैं आराम आराम से, धीरे धीरे कोई उठ ना जाए। तो ये यहाँ पे ऐसे स्टाइल में सेट किया है, ये देखो इधर चिपका दिया है, तो नीचे से मतलब वायरिंग करके ऊपर, और इस पीछे वाले को भी कहीं सेट करना है इधर ही, तो वो हमने कल करेंगे। yeah. हाँ डिनर टाइम, चलो लेके आए, अभी भी तो मैं नीचे गई थी, पहले बता देना अभी खाना। हाँ, चलो लेके आते हैं। मेरा मैं खा रहा हूँ चिकन के साथ रोटी, मैंने ये पकाया, और ये खा रहे सादिया, इसको कहते हैं नाम क्या है इसका, याखनी पुलाव, रायता, ये है याखनी सादिया, याखनी पुलाव। तुम तो यखनी पुलाव खा सकते थे, क्यों? मैं, मुझे याखनी पुलाव नहीं खाना, दिन को खाया तुम खाओ याखनी पुलाव, मुझे नहीं खाना याखनी पुलाव, मैं नहीं खाऊंगा याखनी पुलाव। चलो मैं ही खा रहा हूँ, और मैं ही खाऊंगी याखनी पुलाव। तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग, आज का दिन ख़त्म हो गया, बस अभी सो जाएंगे, अच्छा गुजरा दिन, यखनी पुलाव सबको बहुत अच्छा लगा, इवन तुम्हें बहुत अच्छा लगा। और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं कल, खुदा हाफिज़, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।